हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस न्यूज चैनल पर सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पीड़ित निवेशक साथियों का और एजेंट भाइयों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंद होने से 3 लाख एजेंटों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ा है दोस्तों। ना जाने कैसे करके वो अपने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम इस वक्त कर रहे हैं। इधर डिप्रेशन में हैं और इधर घर के खर्च हैं जो कि बंद होने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में 3 लाख ऐसे एजेंट बेरोज़गार हुए हैं जिनकी स्थिति इस वक्त बहुत दयनीय है। और आगे खबर यह है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देश भर में 812 शाखाएँ थी। इन 812 शाखाओं के ये कर्मचारी इस वक्त रोज़गार से परेशान हैं और सरकार को इनकी तरफ से अभी कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। और बात इस वक्त अगर निवेशकों की करें तो देश की 20 लाख लोगों के इस कंपनी में 84,000 करोड़ रुपया जमा है। सर्वाधिक जमाएं सिर्फ सिरोही और पाली व जालौर ज़िले से हैं। सिरोही आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सिरोही से कारोबार की शुरुआत करके 18 वर्षों में देश भर में करीब 812 शाखाएं खोलकर बैंक के रूप में पहचान स्थापित की थी। देश भर में करीब 20 लाख लोगों के 84,000 करोड़ रुपए जमा हैं, जिसमें सर्वाधिक जमाएं सिरोही और पाली और जालौर की हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 से 4 हज़ार करोड़ की जमा सिर्फ इन तीनों ज़िलों से है और सर्वाधिक 500 से 1,000 कर्मिक, इसी 50,000 से ज़्यादा एजेंट भी इसी तीनों ज़िले सिक्के हैं। यहाँ दोस्तों 3 ज़िलों के ये एजेंट 50,000 से ज़्यादा हैं जिनकी रोज़ी रोटी पर संकट इस वक्त भारत सरकार की गलत नीतियों से मंडरा रहा है। आगे खबर है कि इन ज़िलों के लोगों में बैंकों से ज़्यादा आदर्श की पैठ है। यहाँ दोस्तों ये जो यहाँ पर बताया गया है कि इन ज़िलों के लोगों में बैंकों से ज़्यादा आदर्श की पैठ है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वक्त आदर्श कि या जितनी भी सोसाइटियां खुली हैं, चाहे वो किसी भी कंपनियों की हो, उन सब कंपनियों को सरकारी बैंकों से जोड़ने के लिए ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसको ना तो निवेशक समझ पा रहा है और ना एजेंट समझ पा रहा है। सबको अपनी अपनी पड़ रही है और सब यही सोच रहे हैं कि शायद कंपनी में कोई गड़बड़ी होगी। लेकिन दोस्तों 3,000 ऐसी कंपनी है इस भारतवर्ष में जो सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड थी, उनको सब पर गाज गिराई गई है, चाहे वो चिटफंड कंपनी हो या सोसाइटियां हो। और इनका एक ही मकसद है सरकार का कि इन सभी लोगों को इन बैंकों से जोड़ दिया जाए, जो सरकारी बैंक है इनसे जोड़ दिया जाए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इन ज़िलों के लोगों में बैंकों से ज़्यादा आदर्श में पैठ है। यहाँ दोस्तों ये एक इस कंपनी की बात नहीं, ना जाने कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी उन कंपनियों तक ही उनकी सीमित थी। जो भी लोन लेना होता था या जो भी कुछ पैसा जमा, पूंजी जमा करनी होती थी, तो ऐसी ही कंपनियों में ये जमा करते थे। लेकिन आज इनका जमा धन लूटने की कगार पर है। और दोस्तों सही बात तो यह है कि ऐसे में यदि भविष्य में आदर्श सोसाइटी बंद होती है तो 4,000 कर्मचारियों के करीब 3 लाख और 70,000 एजेंटों की रोज़ी रोटी का संकट खड़ा है और लाखों लोगों के अरबों का निवेश भी खतरे में पड़ा है। ऐसी स्थिति में राज्य के केंद्र सरकार के बीच का रास्ता तलाशने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं तलाशा गया, जिससे लोगों द्वारा निवेश कर रखी पूंजी भी नहीं डूबे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस आदर्श सोसाइटी से जुड़े कर्मियों, अभिकर्ताओं के घर गुजारे पर भी कोई संकट ना आए। लेकिन दोस्तों इस वक्त ग्रहण ज़्यादा लग चुका है और
निवेशकों में हताशा और निराशा कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। केंद्रीय कोऑपरेटिव निदेशालय नई दिल्ली के सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद करने के निर्देश जारी करने से कार्मिक अभिकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े लाखों लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। साफ तौर पर सोसाइटी में निवेश करने वाले लोगों के माथे पर ये चिंता ज़्यादा खिंची हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो हालात बहुत गंभीर हालात हैं, और ऐसे हालातों में निवेशकों का पैसा इस वक्त भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसा हुआ है। और ये 84,000 करोड़ रुपया का एक ऐसा मामला है जिसमें न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जिनकी उम्र भर की, पूरे जीवन भर की जमा पूंजी इसमें लगी हुई है, जो हम अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर न्यूज़ पसंद आए तो आप हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।